जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन बल्लभ जय गिरि वर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन यशोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा जीवन जय ब्रज नरंजन जय ब्रज नरंजन जय जामुन चिर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुन तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय जामुन तीरवन चारी राधा बिनद बिहारी जय जामुन तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama.
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञान दिव्यामुदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एवरीबडी सर गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने कौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कीप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रवर्णा वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ हरि जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे जय गोसाई करि चरण बंदन जहा है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म
नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग पहले श्रवण किया था श्रीमान चैतन्य महाप्रभु एक दिन बोले एक दिन पथ देखे दुई मातवाल महादसु प्राय दुई मद्यप विशाल। श्रीमान महाप्रभु श्री नित्यानंद और श्री हरिदास ठाकुर का आदेश दिया है। क्या आदेश दिया था? कितना आदेश दिया था? तीन। तीन क्या आदेश है? करो शिक्षा। हाँ। और बोलो कृष्णा भज कृष्णा कर कृष्णा शिक्षा। इसलिए उन्होंने ये तीन चीज को उन्होंने आदेश दिया था। और महाप्रभु का आदेश को पा करके श्रीमान नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर घर में जाते हैं और यही तीन चीज को भिक्षा मांगते हैं। हैं, इसलिए ऐसे करते 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 जब एक जगह पर पहुंचे उन्होंने क्या देखा? दो मतवाल है जगाए और माधाए। कहते जगदानंद बंदोपाध्याय और माधवानंद बंदोपाध्याय तो दोनों ही ये ब्राह्मण है लेकिन ये असत संग से हाँ कदी असत संग से इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट होने का नाते ये क्या करते हैं? दोनों क्या करते रास्ता मेन रोड पे बैठ करके शराब को लेकर के दोनों हाँ मटकी में शराब लेकर के पीते हैं और आपस आपस में गाली गलौज। और ऐसे कोई पाप नहीं दूसरे घर में आग लगाना पर स्त्री का अपहरण करना मारना पिटना हर तरह का उन लोगों ने बदमाशी किया लेकिन एक एक चीज इनके अंदर में गुण था। क्या गुण था? वैष्णव अपराध नहीं किया था इन्होंने इसलिए इन्होंने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं कि जो पाप है ना वो आसानी से ये पाप नष्ट हो जाता है लेकिन जो ये अपराध है ये अपराध सहज में नष्ट नहीं होता। अगर ये अपराध विशेष करके अगर ये अपराध किसी गुरु और वैष्णव का प्रति अगर ये अपराध हो जाए फिर तो कहते ये वज्रलेप बन जाता है। हैं? क्या बन जाता है? वज्रलेप। ये वज्रलेप कभी फिर नहीं मिटती है। इसलिए इसलिए जब उन्होंने दोनों प्रचार करते करते जब ये दोनों पहुंचे हैं ये दोनों पहुंचे जब इन दोनों को उन्होंने देखा देख करके इनके मन में इच्छा हो रही है ये दोनों का भी उद्धार होनी चाहिए क्योंकि महाप्रभु ने आदेश दिया जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने ये नहीं बताया था कोई एक व्यक्ति विशेष को हरिनाम देना मतलब जारे देखो जिसको देखो उसको भगवान की भक्ति की उपदेश करो जिसको देखो उसको ही करो। उन्होंने कोई विचार नहीं किया था इसको देना और इसको नहीं देना और सर्वत्र सर्वत्र मतलब सब जगह पे मेरे आज्ञा को प्रकाश करना आज्ञा को पालन करना इसलिए ये सोच रहे हैं इनका भी उद्धार होनी चाहिए। इतने में नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोले बोले देखो महाप्रभु का आदेश तो सबको देने के लिए है ना इसलिए ये दोनों का भी उद्धार करनी चाहिए ये दोनों का भी कल्याण होनी चाहिए हैं। इसलिए जब ये बात को बोले इतने में हरिदास ठाकुर को बोले देख हरिदास जब तुम्हारे ऊपर में मुसलमान का अत्याचार हो रहा था हैं अत्याचार हो रहा था उस समय तुमने भगवान को पुकारा था हैं भगवान को पुकारा था इसलिए अभी ये दोनों को भी तुम कृपा करो और जैसे ये दोनों शराब पी करके जैसे एकदम नशा में एकदम डूबे हुए अगर एक दिन ऐसे आए हैं असली जो कृष्ण भक्ति रूपी जो शराब है इसलिए भागवत में भक्ति को भी एक आसव बताया आसव मतलब था शराब है इसलिए भक्ति भी एक शराब जगत का जो शराब है रात को पियो सवेरे नशा उतर जाती लेकिन वैष्णव लोग जो शराब पी करके रखी है ये नशा उतरती है। आज रात को पी करके सोए और सवेरे उठते ही तो 4 बजे उठ जाते कोई 3 बजे उठ जाते कोई 3:30 बजे उठ जाती है शराब ऐसे हाँ ये शराब का नशा घटती नहीं ये
कि तुमको सबर उठा देती, 3:30, 4 बजे उठा देती, उठा कर क्या करते हो? फिर भागते हो, क्या? स्नान करना, स्नान करके तिलक करना, तिलक करके गुरु मंत्र जप करना, नहीं तो क्या करना, आरती में जाना, बस। इस शराब का नशा उतरती नहीं, सवेरे होते फिर शराब चढ़ जाती है, रात भर रहती है और शराब होते फिर सवेरे होती शराब, ये नशा चढ़ जाती है। नशा क्या करती है, भगाओ, फिर चलो कहाँ चलो, फिर भक्ति रस को पान करना, ठाकुर जी की आरती रस को पान करना, ठाकुर का कीर्तन, फिर उसको बाद में फिर शराब घटती नहीं, फिर क्या होता है, चलो बैठ करके हरिनाम करेंगे, बैठ करके हरिनाम करेंगे, उसको बाद में फिर शराब फिर चढ़ती है, चलो फिर ठाकुर का कीर्तन करेंगे, फिर चढ़ती है, चलो फिर भगवान कथा सुनेंगे। ये शराब बढ़ती रहती है, शराब घटती नहीं, ये शराब दिन रात, ये शराब बढ़ती है, हैं? इसलिए अभी जैसे ये दोनों शराब पी है, कृष्ण जैसे शराब पी करके मतवाला है, अगर कृष्ण भक्ति रूपी अगर शराब पी करके ऐसे मतवाला हो जाए, बस इनका जीवन धन्य हो जाएगा। और महाप्रभु का जो आदेश है, बस पापियों को तो उद्धार करते हैं, नहीं कहते पुण्यात्मा को तो उद्धार करते हैं, लेकिन जब पापियों को उद्धार करेंगे ना, फिर महिमा बढ़ेगी। जैसे अभी इनको दर्शन करने से क्या होता है, हैं? गंगा स्नान, इनको दर्शन स्पर्श करने से गंगा स्नान करना पड़ता है, एक दिन ऐसे हो इनको दर्शन मात्र से ही गंगा स्नान करने का फल मिल जाए, इसलिए ये दोनों को उद्धार करनी चाहिए। अभी कति बलिवार भार मात्र आमा दोहाकार, बलि ने नालय जबे सही भार तार। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु का आदेश है, क्या आदेश है, हर घर घर में जाकर भिक्षा करो, तेरा अब हर तरह का व्यक्ति है जगत में, हर तरह का व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति भी बुरे व्यक्ति भी है, हैं? उस समय भी सत्य युग में भी थे, हिरण्यक हिरण्यकश्यप उस समय भी हुए, इसलिए हर तरह का व्यक्ति है। इसलिए यहाँ पर यहाँ प्रभुपाद टीका में लिखते हैं, कहते ये महाप्रभु का आदेश है, जिसको देखो उसको भगवान की भक्ति के बाहर बोलो। अगर ये लोग आदेश को पालन करते हैं, आदेश किसका पालन है, आदेश है भगवान का आदेश है, प्रति घर घर में जाओ और भिक्षा मांगो, ये महाप्रभु का आदेश है, हैं? आदेश है। इसलिए अगर वो लोग कोई भक्ति ग्रहण करते हैं, तब किसका आदेश का पालन किया, बोले भगवान का आदेश, चैतन्य महाप्रभु का आदेश को उन्होंने पालन किया। अगर उन्होंने ग्रहण नहीं किया, भक्ति को ग्रहण नहीं किया, किसका आदेश का उल्लंघन हुआ, भगवान का आदेश का उल्लंघन हुआ। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है, हर घर घर में जाओ, हर घर घर में जाओ, जाकर के भिक्षा मांगो, हैं? भिक्षा मांगो। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद इसी विषय पर कहते हैं, कहते साधारण लोगों का जो विचार, कहते ना मध्यम अधिकारी का क्या लक्षण है, ईश्वरे तद अधिनेसु बाली सेसु दिशा सुच प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ज करोति समध्यम। इसलिए मध्यम अधिकार का ये लक्षण है, जो द्वेषी है उनको क्या करो, उपेक्षा करो, द्वेषी को उपेक्षा करो और भगवान का प्रति प्रेम करो और भक्तों का साथ में मैत्री करो और बालिसी अत्यज्ञ गोबर में कृपा करो, ये मध्यम अधिकार लक्षण है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं द्वेष को क्या करनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए, साधारण विचार में द्वेषियों को उपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन गौड़ीय वैष्णव जो है ना भैया, दोषी को भी दुष्टों को भी छोड़े नहीं, दुष्टों को भी उन लोगों ने छोड़े नहीं। इसलिए देखो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भेजा, तो ये जगाई माधव को एक तरह का द्वेषी लोग है, द्वेषी है, पर उनको तो क्यों हरिनाम देने के लिए भर गए, उन्होंने शास्त्र का उल्लंघन किया ना, फिर क्यों उन्होंने क्यों गए, ये तो दोषी व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, फिर उनको मारने के लिए भागे के पीछे, फिर उन्होंने फिर क्यों गए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, लेकिन वैष्णव लोग इतने दयालु, इतने कृपालु वैष्णव लोग है ना, हैं? इसलिए इतने दयालु, इतने कृपालु, ये मार खा करके भी प्रेम देने वाले, ये मार खा करके भी प्रेम देने वाले। इसलिए प्रभुपाद का समय पर, हाँ, जिस समय प्रचार हुआ प्रभुपाद, उसको पहले तक भी देखो, हाँ, उसका पहले तक भी देखो, हमारे श्री कुरेश का आंख निकाल दी गई,
आंख निकाल दिया कुरेश को, गए राजा ने बुलाया गए, लेकिन उन्होंने ऐसे बोले बात बोले जिनकी आंख निकाल दी गई। लेकिन रामानुज आचार्य जी की कृपा से फिर दोबारा आंख आ गई है। प्रहलाद महाराज को देखो है, प्रहलाद महाराज को देखो जिनके पिता जिनको जान से मारने के लिए कोशिश की गई है, जान से मारने के लिए। इसलिए दिखाई पड़ता है यहाँ प्रभुपाद कहते हैं गौड़ीय वैष्णव इतने दयालु, इतने दयालु। इसलिए इसलिए श्री क्या अरे दयाल नीताई ये कीर्तन किसका है बोलो, किसका कीर्तन ये, अरे बोलो, दयाल नीताई चैतन्य भक्तों ठाकुर, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन, हर नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर हे मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे, दयाल तो नहीं है मार के अपराध दूरे जावे पावे प्रेमाधार, अपराध दूरे जावे पावे प्रेमाधार, दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन, नीताय चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन, ओ नामे अपराध विचारत नाही हे, ओ नामे अपराध विचारत नाही हे, कृष्ण नामे रुचि हवे गुचि वे बंध, कृष्ण नामे रुचि हवे गुचि वे बंध, दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन, दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचे दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन, दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। इसलिए कहते महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उन्होंने जो शिक्षा दिया ना हाँ, उनका जो धारा में उन्होंने जो शिक्षा दिया भैया, नित्यानंद प्रभु स्वयं मार खा करके भी उन्होंने प्रेम दिया है। इसलिए कहते ये हैं, कहते ये विद्वेषी लोगों को भी महाप्रभु धारा में भक्त इतने कृपालु दयालु हमारे जी इस्कोन में क्या करते हैं, वो लोग कैसे प्रचार करते हैं, उन्हें टारगेट रखते हैं भैया पूरा ये सबको भक्त बनानी है। एक ब्रह्मचारी जाएगा मतलब संन्यास जाएगा, जो लोग हरिनाम किया तो किया है भक्ति ग्रहण किया, लेकिन जो ग्रहण नहीं करेगा ना वो आज दूसरों को बोला मैं आज तक गया था वो आज कुछ भिक्षा नहीं दिया किया नहीं, कल तुम जाना उसको घर में दो बार जाना उसको घर में, और जान बुझ कर कभी कभी क्या करेंगे उसको घर में प्रसाद पहुंचा देंगे, उस घर में प्रसाद ऐसे करते 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 दिन भक्त ही बना देते हैं उसको, द्वेषी व्यक्ति को भी भक्त बना देते हैं द्वेषी व्यक्ति को भी। इसलिए महाप्रभु धारा में इतने दयालु इतने कृपालु महाप्रभु के भक्त लोग ये मार खा करके भी प्रेम देने वाले महाप्रभु। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव लोग बड़े दयालु बड़े कृपालु श्री वैष्णव लोग हैं। इतने में जब वो जा रहे हैं उनको ऊपर में कृपा करने के लिए, इतने में वहां पर जो लोग थे उन लोगों को समझा रहे हैं बोले भैया देखो वहां पर मत जाया करो हैं, वहां पर मत जाओ। बोले क्यों, कदियो इतने दुष्ट हैं इतने दुष्ट हैं सारा दुनिया उनको डरते हैं, कहते गो बध करने वाले और मांस मदिरा खाने वाले परस्त्री अपहरण करने वाले हर तरह का पाप किया, इसलिए मत जाया करो। लेकिन महा नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जा पास में जा करके बोले क्या बोले, बोले बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, भज कृष्णा, भज कृष्णा, लह कृष्ण नाम, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन। उन्होंने जा करके बोले बोले भैया क्या करो, कृष्ण बोलो, भज कृष्ण, कृष्ण नाम बोलो, क्यों कृष्ण दुनिया का पिता माता कृष्ण ही, कृष्ण हमारे प्राण का धन। जब इतना बोलने के लिए गए इतने में वो दोनों तो शराब पी करके मतवाला थे, हाँ नशा चढ़ा हुआ था, बोले कौन है हैं, हमको कृष्ण भजन का उपदेश देने के लिए आए, हे आंख लाल लाल करके देखी
जब देखे इतने में बोले हमें उपदेश दे रहे हो, बोलो कृष्ण भज कृष्ण। और इतने में भगे उनको है, उनको पीछे उनको खदड़े। जब पीछे खदड़े इतने में नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर तो वहां से भागे। देखो दुनिया में हर तरह का लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग थे बोले बहुत बढ़िया हुआ है, इनको मना कर रहे थे मत जाओ मत जाओ, किसका बात सुने नहीं, अच्छा हुआ है, ये इनके ऐसे ही दंड होनी चाहिए, जो दुष्ट लोग थे। लेकिन सज्जन लोग भी थे, सज्जन लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी ये दोनों को बचाओ, ठाकुर जी तो महादुष्ट है ये दोनों, ये संतों के पीछे पड़ गए, ठाकुर जी इनको बचाओ, ठाकुर जी इनको बचाओ। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु थोड़ी सी जवान भी थोड़ा थोड़े पतले भी थे हैं, लेकिन इसे हरिदास ठाकुर जी थोड़ी सी मोटे से। इतने में नित्यानंद प्रभु तो आगे भाग रहे थे और हरिदास ठाकुर भागते समय ना हाँप रहे थे, वो भाग नहीं पा रहे थे, और ये दोनों मारो मारो पकड़ो पकड़ो हैं, ऐसे दोनों गाली गलौज करते हुए थम जाओ हाँ अभी तुम लोग को दिखाता हूँ, इसलिए इनको ऐसे गाली गलौज करते हुए पीछे भाग रहे। पीछे भागते 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 हठात क्या हुआ, करते करते गली आ गई। जब गली आ गई ना, ये दोनों ने किया क्या, झट वो गली के अंदर में घुस गए। जब गली के अंदर में घुस गए, जब ये दोनों गए जगह, अरे माधा बोले दोनों कहाँ गए, यहीं पर तो आए, कहाँ चले गए, कहा यहीं पर आ करके देख ला हम लोग कहाँ चले आए, और दोनों गए कहाँ। और वो दोनों तो हाँपते 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 जा करके जब पहुंचे, पहुंच करके इतने में हरिदास ठाकुर जी श्री अद्वैत आचार्य अद्वैत श्री नित्य महाप्रभु के पास में जाकर शिकायत किया, बोले प्रभु आप किसको साथ में मेरे को भेज दिया है, ये पागलों को साथ में मेरे को भेज दिया, आज तो हमारे प्राण ही चला जाता, किसी तरह से तो हम लोगों ने प्राण को लेकर किसी तरह से बच गए, कैसे अचानक कैसे एक गली आ गई था मोड़ गए, नहीं तो आज तो हमारा जान ही चला जाता है। इतने में महाप्रभु को जा करके शिकायत की, और महाप्रभु सुन करके ना उनका बड़ा क्रोध आया है, बड़ा क्रोध आया सुन करके। जब क्रोध आया इतने में श्री हरिदास ठाकुर जी है, श्री हरिदास ठाकुर जी अद्वैत आचार्य को बोले, बोले ये कहा ये पागलों को साथ में मेरे को भेज दिया, आज तो प्राण जाते जाते आज बच गया कैसे किसी तरह से। तो अद्वैत आचार्य वो भी जानते हैं, बोले देखो जब श्री नित्यानंद प्रभु ने इच्छा की वो दोनों को उद्धार करने के लिए, ये दोनों को उद्धार हो गया, इनको दोनों का उद्धार हो गया। देखो जब साधारण कोई वैष्णव कोई इच्छा करते है ना, भगवान क्या करते हैं, भक्तों का इच्छा को पूरी करते, भगवान अपना प्रतिज्ञा छोड़ करके भक्त प्रतिज्ञा करते हैं। आज जहाँ साक्षात बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु ने इच्छा की ये दोनों को प्रेम कृपा होनी चाहिए, उनको क्या उद्धार होने का बाकी हो गया, कहते ये दोनों का उद्धार हो ही गया, केवल अनुष्ठान बाकी रह गया। देखो देखना ये जो ये एक सबसे बड़े पियकड़ कौन है, नित्यानंद और महाप्रभु, ये दोनों सबसे बड़े पियकड़ है, हैं? कल देखना ये दोनों पियकड़ और वो दोनों पियकड़, देखना कल देखना कुछ दिन बाद में देखना ये चारों मिल करके क्या कर रहे हैं, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखना चारों पियकड़ मिलकर क्या कर रहे हैं, हैं? सब नृत्य कीर्तन करते हुए देखोगे, ये चारों को देखोगे। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, बोले प्रभु महाप्रभु तो बड़ा क्रोध आ गया, नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु आपकी महिमा जगत में प्रकाश कब होगा, जब आप ये दोनों को उद्धार करोगे है, नहीं तो आप जगत में आपका महिमा प्रकाश कैसे होगा, इसलिए जब तक ये दोनों को उद्धार नहीं होता है ना हम यहाँ से जाने वाले नहीं। अभी जब महाप्रभु भक्तों को लेकर जब कीर्तन करते थे है, अब देखना कीर्तन में जब मृदंग करतला बजता है ना, हम भी नृत्य करते हैं, हैं नृत्य करते हैं, कभी ये दोनों पियगढ़ क्या करते थे, वो पास में महाप्रभु भक्तों को साथ में जितने नृत्य कीर्तन करते थे, ये दोनों पास में आ करके उतना जोर जोर से शराब उतना ज्यादा पीते थे और ज्यादा उतना नृत्य कीर्तन करते थे, हैं? इसलिए देखो हमारे गुरु जी का भी एक शिष्य थे, एक सुदर्शन दादा है, ये ऐसे थे दस्यु जैसे,
इनके तीन पत्नियां थी हैं, एक तो शादी किए हुए, दो शादी किए हुए थे, एक तो उड़िया और एक बंगाली, दो शादी, लेकिन और एक को पाल कर रखते थे। और उनको तीन चार दुकान था कलकत्ता में, तीन चार मिठाई जब पकौड़ा पकौड़ा जो तीन चार दुकान था, ये शराब पीते थे, ये शराब भी ऐसे शराब पीते थे, जब जहाँ पर लोग शराब पीते थे ना, जब जहाँ पर लोग शराब पीते थे, जब ये जो दुकान में डुबते घुसते थे और जितने शराब उस समय छोड़ कर भाग जाते थे, कोई नहीं रहते थे, क्यों, ये ऐसे शराबी था और लंबे चौड़े भयंकर रूप, लंबे चौड़े, और एक साथ में 4-5 किलो ये खाता था मांस। और जब शराब पीने का समय आता था इसका, जब तक उस मांस शराब नहीं पिएगा, उसका पेट में जो जंत्रणा होता था है, पेन होता था, वो पिएगा फिर जाकर के ठंडा होगा। और वहां जितने टेबल फेबलो ना उठा करके घुमाना शुरू करता था, मतलब इतना भयंकर था वो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये कलकत्ता से नवद्वीप गए थे, हमारे नवद्वीप में राधा बाजार गौड़िया मठ है, तो जिस मठ में जाकर हम प्रसाद पाते हैं, एक दिन क्या हुआ उसी मंदिर में चले गए, हाँ किस किस लोगों के साथ में चले गए, शराब पी के रखे थे, और वहां पर उस समय कीर्तन हो रहा था, ठाकुर जी की कीर्तन हो रहा था, उसने वहां पर गए और वहां पर तो मृदंग करतल बज रहा था, अब देना शराब पीने वाले ना मृदंग करतल बज रहा नाचना शुरू कर देते, इसलिए हमारा जो शिवा है ना वो भी ऐसे करता था, वो भी रोज रोज जाकर शराब पी करके इसको मंदिर में मृदंग बजता करता, ये होता था ये कथन में शराब पी कर जाता था, और बहुत पहले बड़ा भयंकर था वो भी इस जगह ही माधाई था, हाँ शिवा भी ऐसे था, इसलिए वो जाकर के नृत्य कीर्तन करता था, वो खुद बोला जाकर में नाचता था, खूब नाचता था शराब पी करके, लेकिन भगवान की कृपा से हैं, भगवान की कृपा से बस भक्त बन गया वो भी। और जो दूसरा तो व्यक्ति था, उसने जब गया और उसको मुंह से बदबू निकल रहा था, और उसने जाकर के और कीर्तन मृदंग बजा था, वो भी जाकर के बस वो भी झूमने लग गया, खूब नाचे कूदे, और नाच कूद करके पता नहीं उसको क्या ऊंचा हुई, उसने उसी समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 रुपया निकाल कर दे दिया, उस समय 100 रुपया की बड़ा कीमत था, उन्होंने पकड़ से निकाला, पैसा वाला था निकाल कर दे दिया। और हमारे जो पुजारी था वहां पर हमारे रजनीगंधा का जो मोटा माला, सुंदर एक सुंदर माला, उसको गले में डाल दिया, गले में डाल दिया, जब इतने में पता नहीं उसका मन कैसे परिवर्तन किया हुआ वो व्यक्ति का, वो कहता है मैं मंदिर से दीक्षा मंत्र लेना चाहता हूँ, हमें दीक्षा मंत्र दो, गुरु मंत्र दो, दीक्षा मंत्र दो। लेकिन उस समय हमारे जो मंदिर वाले बोले देखो ये दीक्षा मंत्र तो गुरु जी देते हैं, गुरु जी अभी यहाँ पर नहीं है, गुरु जी तो हमारी कलकत्ता में रहते हैं, रहने वाले कलकत्ता था कहा है, बोले गुरुदेव कलकत्ता में रहते, गुरु जी दीक्षा मंत्र देते हैं, बोले कहाँ पर, बोले 29B Hazar Road में, एड्रेस लिया, एड्रेस लेकर के फिर आया, पहुंच गया, उसने और शराब पी रखा था, शराब पी करके आया, आकर के बोले बड़े गुरु जी से मिलना चाहता हूँ, बड़े गुरु जी से, बोले जाओ गुरु जी से मिलो। जब गए हमारे गुरु जी से मिले, बोले गुरु जी मैं नवद्वीप गया था आपकी सारस्वत गौड़िया मठ में, मैं दीक्षा मंत्र लेना चाहता हूँ। गुरु जी ने उसको मुंह से बदबू निकल रहा था, गुरु जी ने कहा देख बेटा यहाँ दीक्षा मंत्र लेने का कुछ नियम है, बोले गुरुदेव बता क्या नियम है, बोले पहला नंबर थे शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, जितने नस्ली वस्तु छोड़ना पड़ेगा, छोड़ पाओगे। तो उन्होंने अपना दिक्कत बताया, बोले गुरुदेव जब मेरे पेट में शराब और मांस खाने का, एक साथ में 4-5 किलो मांस खाता हूँ हैं, और शराब 3-4 बोतल शराब पीता हूँ, जब तक मैं नहीं पीऊंगा मेरे पेट में दर्द होना शुरू होता है, इसको पीने पर खाने पर जाकर पेट में पेट जाकर के सही होता है, इसलिए उसको तो खाए बगैर रह नहीं सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा देख बेटा जब तुम भगवान का नाम लोगे, हरिनाम करोगे, ये सही हो जाएगा। बोले सब सही हो जाएगी, बोले हाँ हो जाएगा। और गुरुदेव ने कहा उस समय तो बंगाल में सब माछ मछली खाने वाले, सारी दुनिया पत्नी भी खाती है, बोले देखो ऐसे तुमको अकेले को हम नहीं देंगे, तुम्हारी पत्नी को साथ में दूंगा, पत्नी साथ में दूंगा, इसलिए पहले अपना पत्नी को मनाओ और तुम पहले ये चीज को छोड़ो, फिर दीक्षा मंत्र लेने के लिए आना, देखो भगवान कैसी कृपा है, वैष्णव का कैसा आशीर्वाद है। बोले गुरुदेव हम सब छोड़ देंगे और आज जाकर के पत्नी को मनाएंगे। घर में आया,
आकर के अपना पत्नी से बोला, बोले देखो हम एक महाराज जी को पास में गए थे गुरु मंत्र लेने के लिए, गुरु जी ने कहा ये मां समझ से छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा। और मैंने कहा ठीक है छोड़ दूंगा, मेरे पेट में दर्द होता है। गुरु जी बोले कोई दिक्कत नहीं होगा, छोड़ दो भगवान का कृपा से सही हो जाएगा, और अकेले नहीं तुम्हारी पत्नी को साथ में, क्योंकि घर में रसोई तो वही बनाएगी। अगर पत्नी अगर मांस मछली खाती है फिर तो वो कैसे बना करके देगी, हमारे उधर तो राष्ट्रीय के नियम है। लेकिन वो सुनकर तो खुश हो गए, बोले क्यों, ये जब शराब पी करके आता था है, शराब पी करके एक रिक्शा वाला को ठीक किया था, वो रिक्शा वाला ला करके उस घर में छोड़ के जाता था, और क्योंकि उसको ज्ञान नहीं रहता था और उसको पत्नी दरवाजा नहीं खोलती थी, रात भर घर को बाहर में पड़ा रहता था। और जब सवेरे होता था घर खोल करके उसको अंदर में, घर खोल करके अंदर में घुसा देती। बोले अच्छी बात है, अगर शराब छोड़ देगा मांस छोड़ देगा तो तुम्हारा भाग्य ही बदल जाएगा। हाँ, और जिस तरह शराब पीता कभी पिटाई भी कर देता था, पत्नी को पिटाई कर देता था, पत्नी राजी हो गई, बोले ठीक है मैं निरामिष भजी हो जाऊंगी और हम दोनों मिलकर के लेंगे मंत्र। बोले ठीक है। फिर दोनों गुरुजी के पास में आए, आकर के दोनों हमारे मेरे गुरुजी से उन्होंने दीक्षा मंत्र लिया। अब सोच नहीं सकते हैं इतने बड़े उसने भक्त बना, इतने बड़े उसने भक्त बना। हमारे गुरुजी को कार में बैठा करके प्रचार के लिए ले जाता था, और मंदिर में जब आता था ऐसे नहीं आता था, इतने खाने पीने का चीज लेकर आता था, इतने उसका था सब पकौड़ा पकड़ा जिससे दुकान था। जब रोज रोज जब मंदिर में आता था इतना भर भर करके लेकर आता था, और सब साधु लोग देखते थे कब सुदर्शन दादा आएगा, उनका नाम था सुदर्शन। और जब पूरी मंदिर में रथ यात्रा में आता था, अब सोच नहीं सकते इतने सामान को लेकर के आता था भर करके, है ऐसे कोई चीज, और खुद रसोई बहुत बढ़िया बनाता था। और यहाँ पर बना बना करके हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी लोग देखते थे कब सुदर्शन दादा आएंगे, क्योंकि वो बना बना करके अपना हाथ में नई 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 चीज बना बना करके वैष्णव लोगों को खिलाया करता था। उनका परिवार इतने अच्छे है, इतने अच्छे। अभी एक अल्पना दीदी, तुम जानते हो अल्पना दीदी? हाँ, उनका बेटी है, है? उनको बेटी ऐसे हमारे गुरुदेव भी एक जगह ही माताई को उद्धार किया है, है? ऐसे था, इतने बड़े भक्त गुरुदेव की, इतने अनुगत्य भक्त बने। वो अपना घर मंदिर को कोई अलग नहीं समझता था, मंदिर घर को ये बराबर समझता था, इतने अच्छे भक्त बने। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अद्वैत आचार्य, देखना ये चारों इकट्ठे होकर के हैं, ये दो पियकड़ और वो दो पियकड़ दोनों मिल करके निताई गौर प्रेमानंदे नित्यानंद प्रभु ने तो प्राण ले लिया। बोले जब तक ये दोनों का हम उद्धार नहीं करेंगे यहाँ से जानने वाले नहीं, यहीं पर रहेंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु जान बूझ करके उन्होंने क्या किया, ठीक शाम का समय पर उन्होंने जान बूझ कर उनके पास में गए, और जान बूझ कर जा करके बोले, बोले भैया दोनों बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब इतना बोले ना, इतना सुनते ही जो माधाई था वो तो मटकी में शराब पीता था, उठाया मटकी और महाप्रभु का सर पर दे मार, ऐसे मार नित्यानंद प्रभु का सर पर दे मार, ऐसे मारे नित्यानंद प्रभु का सर तो फूट गई, फूट गई थे नित्यानंद प्रभु का। इतने में हरिदास ठाकुर ने भाग भाग करके आए, महाप्रभु बोले प्रभु ये दोनों जो पियकड़ थे ना नित्यानंद प्रभु का सर को फोड़ दिए। महाप्रभु सुनते ही महाप्रभु वहां पर आए, और नित्यानंद प्रभु क्योंकि बलदेव नित्यानंद अभिन्न तत्व है, एक ही तन दुई भाई समान प्रकाश, जब देखा इनकी शरीर फोड़ दिए, महाप्रभु को इतना क्रोध आया महाप्रभु को, महाप्रभु बिगड़ करके इन्होंने सुदर्शन चक्र को उन्होंने बोले चक्र 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 उन्होंने बुलाया। जब उन्होंने बुलाया ना, देखा सचमुच से सुदर्शन चक्र आ गया, सुदर्शन चक्र। और जिस समय मार रहा था उस समय जो जगाई माधाई तब मारा, लेकिन जो जगाई है ना वो उसको रोक रहा था, क्यों ये दशांतरी है ये साधु संतों क्यों मार रहे हो, इनको मारो मत। लेकिन वो तो तुम पी करके पागल था, है पी करके पागल था, इसलिए वो मना कर रहा था, उनको जोर जबरदस्त ने रोका मत मारो मत मारो, है। इतने में महाप्रभु जब सुदर्शन चक्र को बुलाया, चक्र चक्र चक्र, देखा सचमुच से चक्र आ गया, चक्र दे करके
इतने में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का चरण में गिर बल बोले प्रभु ये माधा ही तो मारा लेकिन जो जगाई है ना इसने रोका था। भक्त लोगों ने बोले ये जगाई रोका था है इसने मारने नहीं दे रहा था उसको पकड़ रहा था। बोले तुमने निताई को मारने के लिए जब आए रोका था इसलिए महाप्रभु उसको ऊपर में बोले इसको ऊपर में कृपा कर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का चरण में गिर पड़े। बोले प्रभु अब कलिजुग में क्या आपने प्रतिज्ञा किया है एव अस्त्र नाधरिव प्राणकारे नामारिव चित्ति शुद्ध करी चित्त शुद्ध करी व सवारे। बोले आपने प्रतिज्ञा किया ना ये कलिजुग में अस्त्र आप धारण नहीं करेंगे जान से किसको मारेंगे नहीं और सभी का हृदय को आप परिवर्तन अपने प्रतिज्ञा किया ना इसलिए हे प्रभु अगर आप मेरे ऊपर में कृपा करना चाहते हो इसलिए आप इसको इन दोनों को कृपा करो। इसलिए महाप्रभु ने बोले तुमने नित्यानंद प्रभु को मारते समय रोका इसलिए उन्होंने उनको कृपा किया। जब उन्होंने कृपा की जब खड़े होकर के चरण में गिरे माफी मांगी खड़े होकर के उन्होंने देखा महाप्रभु को शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए महाप्रभु का दर्शन किया और जब माधाई ने देखा और उन्होंने किया महाप्रभु क्या बोले जे अभिष्ट चित देखो तहा तुम्हें मांगो आज है तो हौ तोर कृष्ण भक्ति लाभ है। इसलिए बोले क्या बोले बोले तुम्हारी जो इच्छा है उसको मांग लो क्या आज तुम्हारी अभिष्ट चिंत पूरी हो जाएगी तुमको कृष्ण भक्ति तुमको प्राप्त हो। जब उन्होंने देखा जगाई को महाप्रभु कृष्ण भक्ति दिया कृपा की उनको दर्शन दिया इतने में माधाई चरण में गिर करके रोने लगे। बोले प्रभु हम दोनों एकट में रहे एकट खाए जो कुछ किया दोनों हम दोनों ने किया है इसलिए प्रभु मेरे ऊपर में भी कृपा करो आप मेरे ऊपर में भी कृपा करो। जब उनको चरण पकड़ रोने लग गई बोले नित्यानंद प्रभु बारम्बार बोले प्रभु अब इसको पर में कृपा करो। ठीक है नित्यानंद प्रभु चरण में माफी मांगो। उन्होंने नित्यानंद प्रभु चरणों को पकड़ कर जब माफी मांगे महाप्रभु माधाई को भी उन्होंने प्रेम दिया है। इतने महाप्रभु बोले देखो आमा है ते यही नित्यानंद देह बड़ो तोर स्थान यही सत्य कहिला मुदड़ो। बोले जो नित्यानंद प्रभु कौन है बोले आमा है ते यही नित्यानंद देह बड़ो कहते मेरे से नित्यानंद प्रभु का देह बड़ा है हैं तोर स्थान यही सत्य कहिला मुदड़ो तुम्हारे पास में ये बात को हम दृढ़ रूप में कहता हूँ हैं दृढ़ रूप में कहता हूँ। इसलिए जब उन्होंने ये बात को बताए बोले माधाई देह नित्यानंद प्रवेशिला सर्व सत्य समन्वित माधाई हैला हैं इसलिए माधाई देह नित्यानंद प्रवेशिला महा नित्यानंद प्रभु ने क्या किया माधाई का देह में उन्होंने प्रवेश किया। बोले आमा है ते नित्यान क्या कहते सर्व शक्ति समन्वित माधाई हैला इले माधाई को शरीर में जब नित्यानंद प्रवेश करते हैं उस समय में कहते माधाई अंदर में भी सर्वशक्ति संचार होइला। बोले कोटि कोटि जन्म में जत पाप आछे तोर आर यदि ना करसी सब दाय। और देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पाप मोक्षयिष्यामि माम सुचो। कहते ये जो गीता का जो श्लोक है कहते इसी श्लोक का ये अनुवाद है हैं क्या अनुवाद है कहते आर यदि ना करी सब दाय मोर। देखो जैसे हम लोग भक्ति में आए देना भक्ति से पहले बंगाल उड़ीसा उस तरह का लोग सब माछ मछली खाते हैं माछ मछली खाते कोई शराब पी आए भक्ति में पहले बहुत बहुत पाप किए हुए लोग आए भक्ति करने के लिए आए। लेकिन महाप्रभु यहाँ पर एक विशेष बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं बोले कोटि कोटि जन्म जत अच्छे पाप तोर करोड़ों करोड़ों जन्म का जितने तुम्हारी पाप है बोले आर यदि ना कर इसे सब दाय मर। अगर आज से अगर कोई प्रतिज्ञा करे हे प्रभु आज से और हम कोई पाप नहीं करेंगे महाप्रभु कहते हैं सारे पाप को मैं ग्रहण करता हूँ इसलिए सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि माम सुचो मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा अगर तुम शरणागत अगर मेरे चरण में शरणागत हो जाओगे तो। इसलिए
क्या करनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने इसलिए बोले 10 तरह का अपराध में एक अपराध है। क्या अपराध है? नाम बोले पाप बुद्धि, नाम बोले पाप बुद्धि। मतलब है कभी कभी हमारी भावना क्या हो जाती है, अरे कहते एक कृष्ण नाम जते पाप हरे, पापी रे साधन ही तत पाप करे। मतलब एक कृष्ण नाम से इतना पाप नष्ट हो जाता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता है। अगर यह चीज को कोई सोच करके सोचे, अरे जो कुछ करना कर लो ना, क्योंकि भगवान का नाम करने से क्या होगा, सारे पाप तो नष्ट हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए क्या करो, जो पाप करना कर दो, फिर तो हरि नाम करेंगे तो पाप उधार हो जाएगा। कहते नहीं, ऐसे करने से क्या होगा, और ज्यादा पाप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु क्या कहते हैं, आर यदि ना कर से सब दाय मर, अगर आज से अगर और कोई पाप नहीं करोगे तो सब दाय मोर, कहते सारे पाप को मैं ग्रहण कर लूंगा। लेकिन जगाई माधाई बोले आर नहीं पाप, जगाई माधाई बोले प्रभु आर नहीं पाप, आज से और कोई पाप नहीं करेंगे, हैं और कोई नहीं पाप करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने उनको सारे पाप को ग्रहण किया। इसलिए पहले हम सुन करके आए ना, हैं हरिदास ठाकुर का कैसे महाप्रभु ने जब पीट रहे थे कैसे पाप ले लिया था, इसलिए इनका भी सारे पाप को महाप्रभु सारे पाप के उनको ग्रहण कर लिए। तो दोहार मुखे मुई करीब आहार, तोर देहे हई बेक मोर अवतार। बोले तो दोहार मुखे मुई करीब आहार, महाप्रभु जगाई माताई को कह रहे हैं, बोले देखो जब तुम दोनों भजन करोगे ना, तुम्हारी मोह के द्वारा ही मैं भजन करूंगा, और तोर देहे हई बेक मोर अवतार, तुम्हारे दोनों को शरीर में मेरा अवतार होगा। इसका मतलब है जब कोई वैष्णव जब कभी सब कुछ छोड़ करके एकांत रूप में जब कहीं महाप्रभु का शरण में आ जाए, कोई शुद्ध भक्त अगर बन जाए ना, कभी जब शुद्ध भक्त भोजन करते हैं कौन ग्रहण करते हैं, बोले भगवान ग्रहण करते हैं। क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव का हृदय में भगवान के निवास है। जब भक्त भोजन करते हैं भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए भक्तों का शरीर में भगवान की अवतार है, भक्त का शरीर में भगवान की विद्यमानता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं संचित पाप कुभोग नष्ट है, माया निज त्रिविक्रम प्रभाव नष्ट है, सभी तो भक्त पाप पुण्य प्रसन्न है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद इस विषय पर बहुत बहुत कुछ बात कह रहे हैं, कल हम ये चीज को सुनेंगे। इस विषय पर श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री जगाई माधाई की, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे Hare Hare
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे दयानिता भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय लीलावर विष्णु विष्णु का श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जयंती लीलावर भक्ति वृंद वामन गोस्वामी महाराज की जय लीलावर विष्णु भक्ति वेद प्रज्ञान के स्वरूप गोस्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सफरकर गौरव की जय अनंत गौरव भक्त वृंद की जय समागत गौरव भक्त वृंद की जय गौर ब्रह्मानंद की जय